हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम और अब हम निकल रहे थे ग्रेटर नोएडा के लिए, जो कि हमें जाना था वैक्सन, जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ जाना था। और मेरे एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे अपनी वही दवाइयाँ लेनी थी। और यहाँ ये इतना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा था। ये हम गुड़गांव साइड सिटी से हम निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सारी तरफ लाइटिंग और बिल्डिंग्स इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम यहाँ ना बहुत लेट हो गए थे, भूख लगी थी, तो ये बंसी रेस्टोरेंट है जो कि इतना सादा शुद्ध एकदम घर का देसी खाना जैसा बहुत टेस्टी है वहाँ का खाना, तो हमने वहाँ पर खाना खाया। और उसके बाद हम स्टे किया था हमने दीदी के घर पर, तो ज़्यादा कुछ क्लिप्स नहीं बना पाई थी, लेट हो गए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाएंगे वैक्सन, तो आप भी देखना हॉस्पिटल, और सच में बहुत नीट एंड क्लीन और एकदम शांति है वहाँ पे। और अब चूँकि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ तो मुझे काफ़ी रिलीफ भी है एनर्जी में, जो मेरी छींकें आती थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी वहाँ का डिलीशियस खाना। और तो ये है एकदम शानदार शुद्ध देसी खाना। शिवान को बहुत भूख लगी थी तो टूट पड़ा था खाने को देख के एकदम से, क्योंकि दिल्ली से निकलना, वहाँ के ट्रैफिक में फंसना था ऑब्वियसली। और उसके बाद हमने थोड़ा सा मीठा खाया एंड फिर हम जाएंगे घर और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा वैक्सन का भी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना। तो अब आपको बस ये ब्लॉग यहाँ का एंड ही मिलेगा, फिर हम जाएंगे अपने घर वैक्सन हॉस्पिटल में, मेरे घर के ब्लॉग आपको दिखाई मिलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, हम दीदी के घर से हम जा रहे हैं दीदी के घर से। ये धान्या है इसका। और फ्रेंड्स, फाइनली निकल लिए थे हम अपने घर पे और ये देखिए आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए हम फाइनली पहुंच जाएंगे घर। और घर पहुंचने के बाद एकादशी का फास्ट था तो थोड़ा सा कुछ खाया और उसके बाद फिर मैं अपने घर निकल जाऊंगी। तो घर किसके साथ जा रही हूँ, कौन लेने आया है, देखते रहना ब्लॉग में। और ये है ग्रेटर नोएडा ही याद है मेरे को, ये है गुड़गांव की जो कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इधर रिच एरिया है आप कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत देखो ये है बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर सिवान ने इतने कैमरे को हिलाते हुए छोटी छोटी क्लिप ली हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे नज़ारे। और बस ऐसा ही है, ये सिंपल सादा सा ब्लॉग आपको घर के ब्लॉग मेरे देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप इंजॉय करते रहना, बने रहना ब्लॉग को, बस ऐसे ही सादा सा ब्लॉग बनाए रखना। फाइनली पहुंच गई हूँ अपनी सोसाइटी ढेर सारी यादों के साथ और सुबह सुबह पहुंच गई हूँ घर पे। ज़्यादा जल्दी इतना आए ना कि वीडियो बना तो आँख से आंसू आ गए इतने दिनों के बाद। ये वो इतना दिमाग चल रहा है इसका, इसके आँखों से आंसू आ गए अपने घर में आने का। और कुछ तो चलो बेटा,
वापस घूम फिर के लाई थी भाई के घर से मनु को, वहाँ पे बहुत प्यारा हो रहा था। गाइस मैं इतने दिनों बाद एक चीज तो देख सकता हूँ, टीवी। टीवी की ज्यादा खुशी। और फ्रेंड्स जैसे ही हम घर पर पहुँचे थे तो मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी, मैंने आपको दिखाया ही था क्योंकि हस्बैंड जी अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे अपनी शिफ्ट करके, और उनकी मॉर्निंग में होती है ख़त्म, तो साथ के साथ हम आ गए थे। और सुबह सुबह, और ये देख सकते हैं यहाँ पे मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था, इतना भयंकर चारों तरफ से काले बादल हो गए थे। दोपहर का टाइम था ये, तो मैंने छोटी सी क्लिप ली है जो आपके साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। इतनी भयंकर बारिश है, ऐसा मौसम हो गया था ना, तो इसी के साथ इस छोटे से प्यारे से ब्लॉग का करते हैं एंड। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स सबको, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।